आप मिनिस्टर संजय सिंह इज एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेट्स लिसन इन। फोर्स ऑन हिम एंड हिज एम्प्लॉइज टू साइन प्री डिक्टेटेड स्टेटमेंट्स। 20 जनवरी 2023 को शरद रेड्डी कहता है कि उसके ऊपर और उसके कर्मचारियों के ऊपर ईडी दबाव डाल रही है अपनी ओर से कहे गए और अपनी ओर से लिखे गए बयानों पर हस्ताक्षर करने के लिए, बयानों को देने के लिए। ही क्लेम दैट द एक्यूजेशन ऑफ पेइंग 100 करोड़ ब्राइब टू दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वॉज बेसलेस। 20 जनवरी 2023 को शरद रेड्डी कहता है कि 100 करोड़ रुपए रिश्वत देने की बात, दिल्ली सरकार के अधिकारियों को देने की बात पूरी तरह निराधार है, झूठी है। उसकी बेल एप्लीकेशन तो पड़ी होगी, पढ़वा लीजिएगा, थोड़ा मेहनत कीजिए। मीडिया के लोग जैसे आम पूड़ी मिठाई पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत इस पे भी कर लीजिए। आम पूड़ी मिठाई आलू पे तो दिन रात मेहनत हो रही है, इस केस की पड़ताल तो कीजिए, सच तो लाइए देश के सामने। क्या हुआ है अरविंद केजरीवाल के साथ, और क्यों मैं बार बार कह रहा हूं कि यह गहरी साजिश है। और कल गृह मंत्री के बोलने के बाद तो पूरे देश को यह जानना जरूरी है। आगे पढ़ रहा हूं, 26 अप्रैल 2023 जब शरद चंद्र रेड्डी को 6 महीने हो जाते हैं तब वो अचानक पलटी मारता है और 26 अप्रैल 2023 को वो बयान देता है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का कुछ हिस्सा, जिस बात को 20 जनवरी 2023 को इनकार कर रहा है, 26 अप्रैल 2023 को कह रहा है 100 करोड़ रुपए का रिश्वत का कुछ हिस्सा देने के लिए मैं एग्री किया था, मैंने सहमति दी थी। और इस बीच क्या होता है कि उसकी बेल जो है वो 20 जनवरी 2023 को रिजेक्ट हो जाती है ईडी के विरोध के बाद। जब वो मना करता है कि उसने कोई रिश्वत नहीं दी तो ईडी उसके बेल का विरोध करती है और उसकी बेल लोअर कोर्ट से रिजेक्ट हो जाती है। अब 8 मई 2023 को यही शख्स हाई कोर्ट पहुंचता है और हाई कोर्ट में कहता है, 26 अप्रैल को सुन लीजिएगा, याद कीजिएगा, 26 अप्रैल 2023 को उसने कह दिया हां कुछ हिस्सा हमने रिश्वत की देने की सहमति दी थी, 100 करोड़ की रिश्वत के कुछ हिस्से को हमने भी देने की सहमति की थी, 26 अप्रैल को यह कहता है। और 8 मई 2023 को जब दिल्ली हाई कोर्ट में वो अपनी इंटरिम बेल फाइल करता है और कहता है, एक तरफ सत्येन जैन की इंटरिम बेल फाइल होती है, उनकी सर्जरी करानी होती है, 26-28 किलो वजन कम हो जाता है, उसका जमकर ईडी विरोध करती है, आप सबको पता है। लेकिन इतनी बड़ी बीमारी इसको हो जाती है 8 मई 2023 को कि ईडी उसकी बीमारी के एप्लीकेशन का विरोध नहीं कर पाती। अब आप सुनिए कितनी बड़ी बीमारी हो गई इसको। 8 मई 2023 को अचानक उसको एक इतनी बड़ी बीमारी हो जाती है जिसकी बीमारी का ईडी विरोध नहीं करती, और वो बीमारी है कमर दर्द। कमर दर्द, आप लोग भी कभी जेल जाइएगा तो याद रखिएगा, कमर दर्द के नाम पे आपको बेल मिल सकती है, सर्जरी के नाम पे नहीं मिलेगी लेकिन कमर दर्द के नाम पे मिल सकती, कमर दर्द के नाम पे उसको बेल मिल जाती है। 8 मई को उसको बेल मिलती है 2023 में और 2 जून 2023 को। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.